ओके, तो ये यूपी आरबीएनएल का ये डेट लिखी हुई है, आपका 19 जुलाई 2021 का एग्ज़ाम है, ठीक है, एई का, इलेक्ट्रॉनिक का। तो इसमें मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि ओनली थ्योरी, ओनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और कुछ भी नहीं। ओके, तो जैसे ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है तो इसको नहीं, एक आइडिया लेंगे पेपर का और थ्योरी देखेंगे। जैसे यहाँ पे पूछ लिया है कि इन ब्रॉडसाइड एरे ऑफ 15 आइसोट्रोपिक रेडिएटेड एंटीना का क्वेश्चन है। ओके, या उसके बाद ये जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि इफ़ वी अप्लाई स्क्वायर वेव टू एक इंटीग्रेटर में आपने स्क्वायर वेव डाली तो उसको ट्राइंगुलर वेव बना देगा वो। ओके, तो ये जी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता रहता है, तो ये क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद बोला कि आई साइन वेव कैरियर कांट बी मॉडिफाइड बाय द बेसमेंट सिग्नल इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो एक साइन वेव कैरियर को किसमें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, बाय द बेसमेंट सिग्नल से किसमें नहीं कर सकते वो हमें बताना है। तो आपका नॉर्मली जो पीएम एफएम एम मतलब एनालॉग मॉड्यूलेशन में कर सकते हैं कुल मिला के। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का भी हो गया कि आइडेंटिफाई ऑड टर्म्स या फिर ऑड वन आउट को यहाँ पे सिलेक्ट करना। अब आपको साफ दिख रहा है कि भाई ऑड वन आउट आपका पल्स मॉड्यूलेशन है जो कि एक डिजिटल मॉड्यूलेशन आपका टेक्निक हो गई, तो इसलिए इसमें नहीं कर सकते। उसके बाद ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ सीई एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की अगर बात करें, ओके, कॉमन एमिटर की बात करें तो एट लो फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी पे आपका एफ अगर आपका लो है, ठीक है, तो आपका एम्पलीफायर कैसे काम करेगा, एक हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है। तो ये भी एक ऐसा हो गया, एक आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, कॉमन एमिटर के अंदर आपका लो फ्रिक्वेंसी पे एम्पलीफायर हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है। या आपका फिर क्या हो गया इसमें, ठीक है, या आपका एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो गया, बैंड विथ फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉडिटरी वेव की आपको दी है, पूछी है, इफ द फ्रिक्वेंसी डिविशन, आपको फ्रिक्वेंसी डिविशन दिया है एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रिक्वेंसी एफएम दिया है, तो बैंडविड्थ पूछिए, तो यहाँ पे कार्सन सूल लग जाएगा। बैंडविड्थ कितना हो जाता है आपका, 2 टाइम्स आपका दोनों का सम के इक्वल, मतलब 55 और 10 कितना हो गया आपका 65, 65 दूनी 130, ठीक है। ईजी क्वेश्चन था ये भी, मतलब ये क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है बट हार्ड इसमें कुछ भी नहीं है, ईजी क्वेश्चन है, आपसे बैंडविड्थ पूछिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो रूल होता है कि बैंडविड्थ इक्वल टू 2 टाइम्स आपका डेल एफ प्लस एफएम, ये क्या होता है, यही कार्सन रूल होता है, कार्सन्स रूल। और आगे चलते हैं, इसमें हाइब्रिड पाई मॉडल की बात करी है। ओके, हाइब्रिड पाई मॉडल आपका विच टर्मिनल इज नॉट एक्सेसिबल, इसमें कौन सा टर्मिनल आप एक्सेस नहीं कर सकते, एमिटर कर सकते हैं, कलेक्टर, इंड्यूस बेस, वर्चुअल बेस को आप एक्सेस वो एक्सेस नहीं कर सकते हाइब्रिड पाई मॉडल में। ओके, आपका हाइब्रिड पाई मॉडल, तो वर्चुअल बेस को आप एक्सेस नहीं कर सकते, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें बता रहे हैं कि ये किस तरीके का गेट है। ओके, इसको करने का सीधा सा तरीका होता है, आप जैसे ऊपर वाले हैं आप केवल इसको चेक करो एन मॉस को। ओके, क्योंकि नीचे क्या होते हैं, ये बबल वाले होते हैं, ये पी मॉस होते हैं, आप इनको चेक करो और उनको बाद में कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो वही आपका आंसर आ जाएगा, आपको दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे और इसमें भी याद रखें कि सीरीज़ आपका जो होगा, मतलब ये जो सीरीज़ में, ये सीरीज़ में बोले जाएंगे, ये पैरेलल में बोले जाएंगे, तो ये आपका और के इक्वल होता है, तो आप इसको करेंगे। ओके, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, और फिर आपको कॉम्प्लीमेंट करना है क्योंकि आपने एन मॉस को चूज़ किया है। मतलब ये पूरा एक मेथड बताया जा रहा है कि आप कैसे किसी भी इस तरीके के क्वेश्चन को, जहाँ पे ऐसे आपके ट्रांजिस्टर दिए गए, ये क्या है सी मॉस, इसी में ऊपर एन मॉस है नीचे पी मॉस है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो बहुत आसान है, केवल आप एन मॉस वालों को लो जिनमें बबल नहीं होता, उनको लो और आखिरी में सॉल्यूशन करके उनको कॉम्प्लीमेंट करना ना भूलो। और इसमें जो सीरीज़ होता है वो आपका और होता है, और अगर ये पैरेलल में जुड़े, ये आपके पैरेलल हैं ये दोनों, तो इसका अगर आप लिखोगे तो ये आपको ए डॉट बी करके देगा। ओके, बट इसे सॉल्यूशन सही नहीं आता इसलिए हम इनको लेते हैं, तो ए प्लस बी उसका बार, अब ये क्या होता है आपका ए प्लस बी उसका बार, आपका नॉर गेट होता है, तो इसलिए नॉर गेट आपका आंसर हो जाएगा इसका। ये आपका नॉर गेट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पीरियोडिक सिग्नल पूछ रहा है। ओके, ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है, आप पीरियोडिक सिग्नल बता सकते हैं, तो जिसमें पाई नहीं होगा वो आपका पीरियोडिक होगा, क्योंकि आप जब डिवाइड करते हैं तो आप 2 पाई से डिवाइड करते हैं, सॉरी डिवाइड करने में आपका पाई नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। पीरियोडिसिटी निकालने का जो तरीका होता है सिग्नल के अंदर, आपका ये पीरियोडिक नहीं है साइन पाई टी, ऐसे ही बाकी भी यूटी पीरियोडिक नहीं है, इसमें यूटी पीरियोडिक नहीं है, तो आपका ये पीरियोडिक सिग्नल हो गया cos 40 + 2 sin 80। उसके बाद ये क्वेश्चन है, फॉर अ 3 इनपुट इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर की बात हो रही है, तो वी आउट आपको कुछ इस तरीके से दिया है, V1 + V2 + V3 / 3,
व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन आर एफ और आर के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो वन बाई थ्री करने के लिए यहाँ पे जो आर है आपका वो थ्री टाइम्स ऑफ आर एफ होना चाहिए। ओके, ये थ्री इनपुट का आपसे बात करी है, तो ये जो आर एफ यहाँ से निकलेगा ये आपका इस आर, यहाँ पे आर होगा, इस आर का तीन गुना होना चाहिए। ये जो आर एफ है आपका, ये आपका थ्री आर होना चाहिए। उसके बाद ये भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे आई सी ट्रिपल फाइव की बात करी गई है और यहाँ पे आर वन दिया है, आर टू दिया है जिनको हम आर ए और आर बी भी बोल सकते हैं, और आपका सी दिया है। तो इसका इसका फॉर्मूला होता है ट्रिपल फाइव टाइमर का, ये याद कर लेंगे। ओके, ट्रिपल फाइव टाइमर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्वेंसी निकालने का, जिसमें नीचे आर ए प्लस टू टाइम्स आर बी होता है, ऊपर 0.69 मल्टीप्लाई होता है कुछ इस तरीके से, तो वो देख लेंगे। उसके बाद ये फिर से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंस इक्वेशन यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म का यूज करके आपको सॉल्यूशन निकालना है इसका। ओके, तो इसको सॉल्व करके लाएंगे तो, और इसमें ये वैल्यूज भी दिए हैं कि वाई ऑफ माइनस टू इजक्ल टू वन है और एक्स ऑफ एन इजक्ल टू यू ऑफ एन है, तो ये सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं कर रहे, केवल थ्योरी वाले क्वेश्चन। फिर ये फिर सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंस इक्वेशन यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म। तो ये क्वेश्चन दो बार पूछ दिया है, 12 में भी और आपके इसमें भी, या फिर ये बाई मिस्टेक, ठीक है, या टाइपिंग मिस्टेक है, मतलब ये जो आपको आंसर वो मिला है उसमें गलती है। ओके, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे एम्पेयर दिए हैं। अब ट्रिपल फाइव आई सी ट्रिपल फाइव टाइमर से हम एक सर्किट बना सकते हैं अगर हम ये कर दें। यहाँ पे हमने आर बी के पैरेलल में एक डायोड लगाया हुआ है। ओके, तो डायोड लगाया हुआ है मतलब जब ये डायोड ऑन होगा तो फिर करंट इधर से चली जाएगी, आर बी का आपका काम हो जाएगा ख़त्म। तो ऐसा किसके अंदर होता है? ऐसा आपका अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के अंदर होता है। तो ट्रिपल फाइव टाइमर से हम एक अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बना सकते हैं। उसके बाद आ रहा है एन आइडियल वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। एक ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर का आर इनपुट आपका क्या होगा? जीरो होगा। और आपका आइडियल की बात करें तो आर ओ जो आपका है, आर आउटपुट वो आपका इन्फिनाइट होना चाहिए। एक आइडियल केस की बात करें तो ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर की आइडियल इनपुट आपका होगा जीरो। ऐसे ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर और अलग अलग तरीके के एम्पलीफायर, उनके इनपुट आउटपुट वैल्यू रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे बात आती है कि फिर एवरेजिंग एम्पलीफायर की बात हो रही है, किसकी? एवरेजिंग एम्पलीफायर की। ओके, तो यहाँ पे बात कर रहा है फाइव इनपुट, पांच इनपुट हैं इसके, तो आर एफ अपॉन आर आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जैसे कि हमने ऊपर देखा था अगर तीन इनपुट थे तो आर एफ किसके इक्वल था? आपका थ्री टाइम्स आर आई के इक्वल था। तो आर एफ अपॉन आर आई की वैल्यू हमसे पूछी है, तो ये किसके इक्वल होगा? क्योंकि पाँच है तो ये हमारा वन बाई फाइव हो जाएगा। ओके, तो वन बाई फाइव हो जाएगा क्योंकि पाँच है, तो वन बाई फाइव आपको क्या दे देगा? पॉइंट टू, तो ये पॉइंट टू आपका आंसर आ जाएगा। बाकी ये टॉपिक पक्का कर लेंगे ओपीएम के अंदर, एवरेजिंग एम्पलीफायर समिंग एम्पलीफायर का। उसके बाद यहाँ पे माइनस 541 बेस 10 मतलब डेसिमल नंबर का आपसे क्या पूछ रहा है? टूज कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है इन हेक्सा डेसिमल। तो पहले तो आप इसको चेंज करो, किसके अंदर? बाइनरी के अंदर चेंज कर लो, उसके बाद उसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लो, फिर हेक्सा डेसिमल कर लो। तो ये काफ़ी मतलब बिग क्वेश्चन हो गया। आप डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हो इसको इससे डेसिमल से, तो आप इसमें 5 को करोगे, इसमें 16 की पावर करोगे 2, और इसमें फिर आप 4 के मल्टीप्लाई करोगे 16 की पावर 1, फिर आप 1 में करोगे किसमें 16 की पावर 0, फिर आप उस तरीके से सॉल्व करके आखिरी में उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन है मतलब। उसके बाद ये फिर न्यूमेरिकल पूछ लिया है, कैलकुलेट वी आउटपुट वी नॉट फॉर द गिवन सर्किट। इस सर्किट के लिए वी आउटपुट निकालना है। तो यहाँ तो क्वेश्चन तो ईजी है क्योंकि इसमें लगभग सारी चीज़ें तो आपको दे दी हैं, जैसे कि ये दोनों रेजिस्टेंस तो आपके पैरेलल हो गए, तो इनसे एक फाइनल रेजिस्टेंस इनको निकाल लो, और भी जो भी यहाँ पे सॉल्व हो रहा है उस चीज़ को सॉल्व कर लो। तो इस पॉइंट का वी आउटपुट हमें निकालना है। और आगे चलते हैं, ये हाफ पावर बीम विड्थ की बात कर रहा है कि ऑफ एन एंटीना इन द टू ऑर्थोगोनल प्लेन्स, ठीक है, ये कितना है? 95 डिग्री और 50 डिग्री है रेस्पेक्टिवली, ठीक है, दो अलग अलग प्लेन का इतना इतना है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? द डायरेक्टिविटी ऑफ द एंटीना अप्रॉक्सीमेटली, डायरेक्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो ये एक एंटीना का न्यूमेरिकल है, तो एंटीना का ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो एंटीना के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं ईएमटी के अंदर। फिर ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया कि द वाइट नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो वाइट नॉइज के लिए आपका स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ओके, वाइट नॉइज के लिए तो वह आपका क्या होगा? तो रिमेन्स कांस्टेंट। वाइट नॉइज़ के लिए स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो होती है वो आपका कांस्टेंट होती है, ये याद रखेंगे। ओके, वाइट नॉइज़ के लिए स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपका कांस्टेंट होती है।
अब ये डायग्राम देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, इसमें पूछा है सिंक्रोनस कॉम्बिनेशनल रिंग। देखिए कॉम्बिनेशनल तो बिल्कुल नहीं है और रिंग काउंटर भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई लूप नहीं बनना, जब तक ये आपका ऐसे जाके जुड़ जाएगा, ये लूप बनेगा तो आपका रिंग काउंटर होगा, तो रिंग काउंटर भी नहीं है। जब ये रिंग काउंटर नहीं है तो बचा सिंक्रोनस असिंक्रोनस। सिंक्रोनस असिंक्रोनस आप बता सकते हैं कि पहले की क्लॉक, अगर वही सेम क्लॉक दूसरे में जारी होती तो आप कहते हैं सिंक्रोनस काउंटर, पर पहले का आउटपुट दूसरे की क्लॉक है, जो कि साफ साफ दिख रहा है, ये आउटपुट निकल रहा है, ये क्लॉक जा रही है, इसलिए ये कैसा एक असिंक्रोनस काउंटर हो गया। उसके बाद और आगे चलते हैं, एंटीना की हाइट यहाँ पे दी है 98 मीटर, ओके, और वेवलेंथ दी है हमें, एंटीना रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालना है, ये भी आपका एंटीना का क्वेश्चन है, ठीक है। रेडिएशन रेजिस्टेंस RR निकालने का इसका बकायदा फॉर्मूला होता है, तो वो लगा के आप कर लेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हाइब्रिड पाई मॉडल के अंदर हमसे ये एफ बीटा की वैल्यू पूछी है, तो ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात कर रहा है करंट गेन विथ फीडबैक AIF, ठीक, करंट गेन विथ फीडबैक, ये फीडबैक वैल्यू दिए, तो करंट गेन कितना होगा, सिंपल से हमारा आई आउटपुट अपन आई इनपुट या फिर आई सोर्स, बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे कुछ भी अलग से कुछ नहीं लगाना, तो आई आउटपुट अपन आई इनपुट आपका आई सोर्स है। फिर बात कर रहा है, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एम्पलीफायर है मिड बैंड गेन ऑफ 100 एंड अ लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी आपको दी है, तो फ्रीक्वेंसी एट द गेन आपको 99 गेन पे कितनी फ्रीक्वेंसी होगी ये आपको बतानी है। उसके बाद ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज इक्वल टू द, तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस किसके इक्वल है आपका, इज इक्वल टू द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द फाइनल स्टेज, तो जो उसकी फाइनल स्टेज का आउटपुट रेजिस्टेंस होगा, ऑब्वियसली बात है ये आपका बड़ा सा मतलब एक सर्किट है, ठीक है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का जो इसके बिल्कुल आउटपुट पार्ट होगा उसका जो आपका RO होगा वही इस पूरे सर्किट का RO होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द फाइनल स्टेज ही आउटपुट रेजिस्टेंस होगा किसका, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का, मतलब उसकी फाइनल वाली स्टेज का जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वही पूरे सर्किट का आउटपुट रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस यूज इन द सर्किट, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको वैल्यू दी है इसकी, लोड रेजिस्टेंस आपको बताना है। अब ये इसने ये भी बता दिया कि इसमें से 2 एम्पीयर करंट जा रही है, ओके, 2 एम्पीयर करंट जा रही है, 2 मिली एम्पीयर करंट जा रही है। देखो ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे जर्मेनियम और सिलिकॉन के डायोड दे दिए हैं, अब आपको ये समझना है कि ये इनका पी और एन साइड है, ये इनका पी साइड है, एन साइड है, अगर ये एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करेंगे, और देखो उन्होंने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, अगर केवल सिलिकॉन होता तो आप मान लेते कि ये आइडियल है, बट क्योंकि जर्मेनियम दिया है तो जर्मेनियम और सिलिकॉन के आइडियल केस में भी डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस होगा क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, इनका वोल्टेज सोर्स लेंगे तो अगर देखा जाए तो ये जैसे 12 वोल्ट है और इसका वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, नेगेटिव इधर होगा, ऐसे ही इसका होगा, और फिर ये RL लगा है, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू है वो 12 वोल्ट से कम हो जाएगी हमारी, पर कितनी कम होगी, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, करीब करीब 1 मान लो, तो मान लो कि ये 12 वोल्ट ये है और ये मिला के 1 वोल्ट हो गया, तो ये 11 वोल्ट हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो 11 वोल्ट बचा, 12 माइनस 1 11 वोल्ट बचा, तो 11 अपॉन रजिस्ट आपका करंट, तो वो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा, तो ये 2 मिली एम्पेयर, मिली ऊपर जाके किलो ओम बना देगा, ये कितना दे देगा, 5.5, ओके 5.5 दे देगा। अब देखो यहाँ पे 9 किलो ओम्स कभी भी नहीं हो सकता, अगर आप पूरा 12 का 12 वोल्ट भी ले लोगे तो आपको आउटपुट कितना मिलेगा, अगर आपने 12 वोल्ट ले लिया तो 12/2 करोगे और नीचे का मिली एम्पेयर ऊपर का किलो ओम बना देगा, तो आपको 6 किलो ओम दे देगा, तो बस से बस केस में आपका 6 किलो ओम से ज़्यादा आंसर तो हो नहीं सकता, तो आपका 7.5 गलत, 9 गलत, और 2 किलो ओम बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन का वोल्टेज मिला के इतना ज़्यादा भी नहीं बन जाएगा कि मतलब 12 वोल्ट को वो कितना 4 वोल्ट बना दे, ओके, तो इसलिए आपका एक पॉजिटिव सेंस में बात हुई, 5.5 किलो ओम यहाँ पे आंसर होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है MRA का, पेस्कर डिजिटल कम्युनिकेशन का, ये भी आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फिर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की बात करी है, ये रेडियस यहाँ पे दिया है, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू दी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपको निकालना है, तो ये अपॉन क्यू अपॉन 4πr² करके वो जो फॉर्मूला लगता है उससे निकालेंगे, तो ये आपका AR की डायरेक्शन में, और ये सॉल्व होकर आपका ये वैल्यू आएगी, तो ये न्यूमेरिकल है पर ज़्यादा हार्ड नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला का है। फिर बात करा है डी मॉर्गन थ्योरम से आपका NAND गेट किसके इक्वल हो गया, NAND गेट आपका एक, आपका NAND क्या होगा, A.B, ये, और इसमें आप क्या कह सकते हैं, A bar + B bar, इसका क्या मतलब है, आप दोनों के इनपुट, मतलब ये क्या है, आप अगर A को X मानो और B को Y मानो तो ये क्या है, एक और है, पर ये किस तरीके का और है, बबल तरीके का और है, इसमें बबल लगा दिया दोनों के इनपुट में, मतलब ये मान लो कि ये इस तरीके से है, ये जो इसको क्या कहेंगे, बबल्ड और ये किसके इक्वल हो गया, ये आपके NAND गेट के इक्वल हो गया, इसके ये NAND है, ये और है, ओके ये हो गया। फिर बात करते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ RC कपल्ड एम्पलीफायर,
तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के आपका अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो नॉर्मल 1/2 पाई आरसी के इक्वल होगा, कुछ भी रूट नहीं होगा यहाँ पे, ये याद रखेंगे ओके। रूट कुछ भी नहीं होगा तो 1/2 पाई आरसी, ठीक है, नॉर्मल जो है पाई 2 आरसी नहीं, आर ओपन, ठीक है, ये कुछ नहीं, आरसी नीचे ही रहेगा और नॉर्मल केस जो होता है। और जो हमारा आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होता है उसका भी कुछ इसी तरीके का फ्रीक्वेंसी होता है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की अगर बात करें। उसके बाद ये आपका फॉर द स्पेक्ट्रम शोन इन द फिगर व्हाट इज द मिनिमम सैम्पलिंग रेट यहाँ पे पूछा है ओके। मिनिमम सैम्पलिंग रेट की बात करेंगे तो आपका ये जो ये है ओके, तो 1 kHz ही यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद फिर ये आपका न्यूमेरिकल इन फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर आपका फर्स्ट ऑर्डर का आपका कैसा है, एक हाई पास फिल्टर की बात करी है, अब उसके अंदर उसने कैपेसिटेंस डाल दिए हैं, ओके कैपेसिटेंस डाल दिए ये और ये, मतलब रेजिस्टेंस डाला कैपेसिटेंस डाला 10 kΩ का 0.01 माइक्रोफेरेड का, तो आपको कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बतानी है तो वो निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल से, इसका फॉर्मूला देखेंगे ठीक है। जितने भी एक्टिव टाइप के आपके फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर के हाई पास लो पास फिल्टर है, ऑल पास फिल्टर है, बैंड स्टॉप नॉच सब, तो उनके बारे में एक डिटेल में जानेंगे उसके बाद, मतलब याद रखेंगे। उसके बाद टिपिकल रेंज ऑफ द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ अ कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की आउटपुट जो रेजिस्टेंस है उसकी रेंज, या इम्पिडेंस बोलो या जेड ओ बोलो, उसकी रेंज हमें टिपिकल बतानी है। तो आपकी आपकी हाई रेंज होती है 40 kΩ से 50 kΩ ओके। तो ये तो गलत है, 500 kΩ से 1 kΩ में उल्टा लिख दिया है ना, ये 1 MΩ लिखना चाह रहा हूँ शायद, जो भी ये गलत है। 10 ओम बहुत छोटा है और 1 kΩ भी नहीं, मतलब 40 से करीब मीडियम रेंज, ठीक है, 40 से 50 kΩ आपका कॉमन एमिटर टाइप का कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट इम्पिडेंस की वैल्यू रहती है। उसके बाद डेल्टा मॉड्यूलेशन की बात हो रही है, मिनिमम स्टेप साइज यहाँ पे पूछा है, ठीक है, नाइक्विस्ट रेट, तो ये भी न्यूमेरिकल टाइप का हो गया। तो 1 V पीक 1 वोल्ट पीक टू पीक आपका वोल्टेज भी दिया है, तो आपका एक एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, जैसे 1 वोल्ट पीक टू पीक है, तो ये पूरा कहना चाह रहा है कि ये टोटल आपका जो है ये 1 वोल्ट है, ये पूरा 1 वोल्ट, तो ये कितना होगा, ये आपका 0.5 वोल्ट होगा। इसको यूज करके फिर इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो इजी है, CMRR आपको बताना है ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन इजी है, बट यहाँ पे एक चीज है, देखो CMRR का फॉर्मूला आपका AC अपॉन आपका सॉरी AD अपॉन ACM, ये कॉमन मोड गेन है, ये आपका डिफरेंशियल गेन है, इनका ये रेशियो होता है। तो आप ऐसे कहोगे तो आपको ये दिख रहा है कॉमन मोड गेन AC लिखा है, ये तो 30/2 कर दोगे आ जाएगा 15, वो हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये DB में आपको वैल्यू दी है, और जब DB में वैल्यू दी है तो आपको लॉग करके सॉल्व करना पड़ता है। DB क्या होता है, लॉग ऑफ आपका जो AD की वैल्यू है बेस 10, वो आपका ये 30 dB है, तो फिर नीचे लॉग, जब लॉग को लॉग से डिवाइड करते हो फिर आप उसको डिवीजन को क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो सब्ट्रैक्शन, तो लॉग ऑफ AD माइनस लॉग ऑफ AC आप ये कह सकते हो। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ हार्ड है या फिर ईजी भी नहीं है, आप अगर आपको ये चीज़ दिमाग में नहीं रही कि ये वैल्यू तो DB में दी है और ये जो फॉर्मूला होता है डिवाइड करने का, ये आपका नॉर्मल गेन के लिए होता है, DB की वैल्यूज के लिए नहीं होता, तो आप कैसे करेंगे, तो आप माइनस करेंगे, और आप माइनस करेंगे तो फिर 30 - 2 आपको 28 dB दे देगा। उसके बाद ये ROC की बात करिए, जेड ट्रांसफॉर्म सिग्नल है, इसके ROC पूछ रहा है, तो ये आपका 2N UN है एक ओके, दूसरा ये है, तो इसके ROC आपका सॉल्व करके आएगी, तो वो जो इन्होंने दिया कि 2 से 3 के बीच में आएगी, स्ट्रिप टाइप आएगी ओके। ROC आपका ये सर्किल में, तो ये आपका कुछ ये आ जाएगी इनके बीच में, अगर आप बात करेंगे तो इनके बीच में आ जाएगी।